हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्कूल पूरा खाली है। अभी छुट्टियां शुरू हो गया है, हमको भी बहुत बोरिंग लगे। आप लोग नहीं है तो पूरा खाली पड़ता है स्कूल, आप लोग है तो हमको बहुत खुशी आती है। अरे देख रहे, हम ये मधुमक्खी का छत्ते मधुमक्खी को दिखाने के लिए आया। देखो कितना बड़ा है मधुमक्खी, इतना इतना बड़ा है। ये पहली बार इतना बड़ा आया। ये हर साल में आता है, हमारा रिजल्ट का टाइम हर साल में आते रहता है। इसके पीछे कहानी, हम तो पानी सो पीने के लिए पानी भी देखता है, हर जगह जगह पर पानी देखता है। बहुत सारा फूल है, सब फूल से वो मधु लेके आता है, वो शहद बनाता है। देखो हमारा कोबोट, देखो कितना सुंदर लगता है। देखो इसका पीछे कहानियां, कहानी नहीं है हकीकत में। हम ये स्कूल शुरू करने से पहले हमारा एक माता जी था, माता जी वैष्णव देवी जा रहा। मैंने वो माता जी से बताया, हाँ वैष्णव देवी जाएगा ना, हम एक स्कूल नया स्कूल खोलने के लिए प्लानिंग है। फिर उसको वो माता जी के हाथ में कुछ पैसा, उस टाइम का थोड़ा पैसा दिया। पैसा माता जी ने उधर वैष्णव देवी जाकर वो उसने दान पेटी में डाला है। उस टाइम मैंने बताया था हम स्कूल बनाया तो शुरू करने के बाद वैष्णो देवी आई, ऐसे वो माता जी से बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमको मौका मिल गया वैष्णो देवी जाने के लिए। वो जैसी में बारामूला, कश्मीर में बारामूला में बीएड किया था, तब जैसी मैडम को छोड़ने के लिए हम कश्मीर गया है। उस टाइम में जैसी मैडम और जय जो वैष्णो देवी गया था। फिर इसके बाद दूसरा साल से ये मधुमक्खियां इधर आता है, हर साल में आते रहता है। इधर 6 महीना 3 महीना रुकेगा, इसके बाद चले जाएगा। फिर हर साल में हमारा स्कूल का रिजल्ट का टाइम इधर आता है। मैंने एक बार शुरुआत में ये आया था, तब पूरा जलाया था। तब इधर का हमारा पड़ोसी लोग बताया था, सर इसे जलाना नहीं है, ये बहुत अच्छा मानता है, शगुन मानता है, ये वैष्णव देवी का कृपा है, इसे बदल। उस टाइम मेरे को बहुत आश्चर्य होया, बहुत खुशियां भी हो गया था। इसके बाद आज तक हम इसको जलाया नहीं है, हर साल में आता है, आते रहता है। देखिए कबूतर भी इधर इसके साथ सब पानी पीते, बहुत खुशियां से रहता है, वो भी हमारा बात सुन रहे। आप लोग नहीं आए ना, हर दिन प्रेयर होता है, सुबह प्रेयर होता है, धीरे ये लोग भी बहुत बोरिंग में। ओके थैंक यू वेरी मच। ये छुट्टिया में ऐसे कहानियाँ कहानियाँ नहीं, हकीकत हम पढ़ना है, हम सच्चा दिल से जीना है, हमारा माँ बाप से प्यार करना है, ईश्वर से भी सच्चा दिल से प्यार करना है। बाय बाय।